लोग को मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से कल जेएनयू पे अटैक हुआ और आज आप लोग सब लोग एक होकर मुत्तहिद होकर खड़े हैं, तो वाकई मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, सलाम अलैकुम। क्योंकि अलीगढ़ में जब ये हुआ था तो 12 घंटे के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी को पावर के जरिए खाली करा दिया गया था। वाइस चांसलर, जो कि सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सब लोग जानते हैं किस माइंडसेट की ओर कहां से चलते हैं। जेएनयू के बारे में तो बहुत पहले से फेमस है। मैं आप लोग को बता दूं कि इस सरकार ने नफरत घोलने का काम शहरों में, गांवों में बहुत बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन ये लोग परेशान हैं कि एमयू, जेएनयू, जामिया, इन यूनिवर्सिटीज ने इनका जीना हराम कर रखा है। और ये लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि सीएए का मूवमेंट हो, एनआरसी का मूवमेंट हो, या फी हाई का मसला हो, नॉन नेट फेलोशिप का मसला हो, यूनिवर्सिटीज जिस तरीके से मास अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, ये इनको हजम नहीं होता, इनके पेट में दर्द होता है इस चीज के लिए। तो ये बखूबी जानते हैं किस तरीके से अटैक करना है। स्टेट टेररिज्म के जरिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए ये स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं। पहले जामिया पे हमला किया, सेम पैटर्न पे एएमयू पे हमला किया, और कल जिस तरह से पुलिस ने एबीवीपी के गुंडों के साथ, मैं गुंडा कहूंगा और आप लोग भी, उनका स्टूडेंट ना कहें, सब लोग गुंडा कहें क्योंकि वो लोग गुंडे हैं, जिस तरह से पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हमारे जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट और साथियों पर हमला किया, उसको हम कंडेम करते हैं। और आप लोगों को मायूस होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सारे ही तलबा बिरादरी आप लोग के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी खड़े रहेंगे। बस अब हम लोगों को ये बात वाजे करनी है, ये बात दिलों में डाल लेनी है कि हम लोग जिस तरीके से हम लोगों में एक डिफरेंशिएशन का माहौल पैदा किया जाता है, डिफरेंसेस पैदा किए जाते हैं, क्योंकि कोई लेफ्ट से है, कोई किसी चीज़ से है, कोई इस्लाम से है, कोई हिंदू है, हर अलग अलग तरह के मसले मसाइल में आप लोग को बांटा जाता है। इस वक्त सोच लिए, हम सब एक हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब इंडियन हैं, और ये जो काले अंग्रेज हमारे ऊपर नाफिस किए गए हैं, इनको जल्द से जल्द उखाड़ के फेंकना है। और अपनी बात तो ख़त्म करूँगा साथियों इस शेर के साथ, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप आए हमारे बीच में, आपने एमयू एसयू की तरफ से जेएनयू स्टूडेंट के साथियों के बीच में आपने अपना मैसेज यहाँ पहुँचाया, जिससे मैं आशा करता हूँ और पूरा विश्वास है कि जेएनयू के साथियों का जो साहस है वो दोगुना चौगुना बढ़ेगा, और हम लोग आगे आने वाले दिनों में इस संघर्ष को एक नए मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम लोगों को इससे हारने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इसके सामने डट करके खड़े रहने की जरूरत है। ये जो अन्याय है, ये जो वायलेंस है, ये जिसके जरिए ये लोग लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, हम लोग इसके खिलाफ इनके सामने शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाकर के इनको जवाब देंगे और बताएंगे कि हमारा जो विश्वास है आज भी संविधान में है। हम लोग संविधान को फॉलो करना चाहते हैं, आप मनुवाद को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मनुवाद के विचार को, मनुस्मृति को हम लोग यहाँ से खारिज करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।